हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे इज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। नाउ आज है 6 मार्च, तो आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो न्यूज़ होती है प्रिलिम्स और मेंस को उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे हिंदू एनालिसिस का सबसे यूनिक चीज़ यही रहता है कि जो भी हम डिस्कस करते हैं वो नोट्स के फॉर्म में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, ठीक है। बाकी आप ईयरली प्लान या पेड प्लान लेने के लिए कॉमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? सबसे पहले कल हमने ये डिस्कस किया था OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, पूरा UPSC मेंस के बेसिस में कि क्वेश्चन कैसे आएगा, 3-tier मैकेनिज्म क्या है। अब उसके चलते हुए जैसे कल बोला गया था कि रेगुलेटरी बोर्ड में भारत सरकार का कोई नॉमिनेटेड बंदा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं, प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ, यानी कि अब क्या होगा, सपोज कोई ऐसे कंटेंट रिलीज भी करता है OTT प्लेटफॉर्म्स में जैसे अमेजॉन या नेटफ्लिक्स में, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है। ऐसा किसने कहा? हमारे ऑनरेबल जो एपेक्स कोर्ट जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ बोला क्या गया? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट गवर्नमेंट न्यू रूल्स टू रेगुलेट OTT प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ टू पनिश वायलेशन और स्क्रीन ऑफेंसिव कंटेंट। ठीक है, आपने गाइडलाइंस बनाई है, बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएटली एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021, दीज आर मेयरली गाइडलाइंस। अब होता क्या है, फिर बहुत सारे जज आते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस पर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं, हमारे लॉ ऑफिसर हैं, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट आप सबको पता है, आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, वीडियो पॉज कीजिए और आर्टिकल लिखिए। नाउ अटॉर्नी जनरल के साथ हमारे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, उनने डिस्कशन किया और उन्हें बोला कि यस हमें एक नए रेगुलेशन के लिए ड्राफ्ट लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये भी बोला गया, देयर वॉज नो एफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर स्क्रीनिंग और टू लैक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स, ठीक है। अगर वायलेट करते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, ठीक है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया है, जिससे कि आप अपने व्यू पॉइंट या इनसाइट रख सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, 9 गेट दैट सेंटेंस फॉर बिहार हुज स्ट्रेटेजी। अब हुआ क्या, 2016 का वर्ष था और खजूरबनी में 19 लोग मारे गए थे। अब ऐसा क्यों? इलिसिट लिकर बनाई जा रही थी, यानी कि कभी कभी होता है ना कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, बहुत सारी महिलाएं इलिसिट लिकर के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहती हैं। तो वैसा ही बिहार में ऐसा हुआ था जिससे 19 लोग मारे गए थे। तो अभी जजमेंट आया है, हम कह सकते हैं 4 साल बाद। तो 9% वर सेंटेंस्ड टू डेथ एंड 4 women टू लाइफ इम्प्रिजमेंट बाई गोपालगंज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने लव कुश कुमार ऑन फ्राइडे। 2016 की जो ट्रेजेडी हुई थी बिहार में इलिसिट लिकर कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा जजमेंट है, इससे कहीं ना कहीं जो है डिस्करेज करेगा दूसरे लोगों को जो इलिसिट बिहार में या किसी भी एरिया में मैन्युफैक्चरिंग लिकर की करते हैं, राइट। तो ये मेंस के लिए आपका क्वेश्चन हो गया और जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद करेंसी स्मगलर एट बिहेस्ट ऑफ केरला CM। अब यहाँ पर देखिए करेंसी, फॉरेन करेंसी को स्मगल किया जा रहा था और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, जैसे CM का है, लोकसभा के यहाँ केरला के स्पीकर का है, ठीक है, सपना सुरेश हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू केरला, ठीक है, PSR संतोष एप्पन, इन सब की चीज़ें, ये सभी लोग इंक्लूड हैं इस पूरे फॉरेन करेंसी स्मगलिंग केस में, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन्होंने ये इन्फॉर्म करके दिया है, राइट। पर यहाँ पर से ना ही हमारे लिए प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट चल क्या रहा है इंडिया में वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। नाउ आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रिलिम्स को समझने के लिए और मेंस को समझने के लिए आपको काम आएगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का एक ही बॉडी है इसरो। अब इसरो क्या करती है, देखिए पहले तो क्या है, भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सरकार के लिए किया करती है, राइट। अब इसरो को लगा कि हम ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं यार, अब हमें कहीं ना कहीं कॉमर्शियल चीज़ें या कॉमर्शियल सैटेलाइट भी भेजनी चाहिए। तो इसरो के 2 ऐसे आर्म्स हैं, ठीक है, एक था, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है, तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसी के बेसिस पर डिफरेंस भी समझना चाहिए और आपको नोट्स भी समझने चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल करते हैं, फिर मैं जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए वो डिस्कस करेंगे। हाल में क्या हुआ था,
हमारी इसरो के कॉमर्शियल जो टीम है, ब्राज़ील की अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट उन्होंने श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दी। अब ये क्या करेगी, अमेजोनिया फर्स्ट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको अगर प्रीलिम्स में नहीं पता तो ये याद रखना कि अमेजोन के जो जंगल होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट हमारी लॉन्च कर दी गई। किसने, इसरो के कॉमर्शियल का एक मिशन है, पहला फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसरो का कॉमर्शियल जो है चीज़ें संभालता है। ए 2-year-old कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया। ठीक है, एक तो ये है। अब ये क्या करेंगे, कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, यानी कि मतलब किसी देश को अगर भेजना है तो वो अपने पैसे खर्च नहीं करेगा, बल्कि आपसे, जैसे आप टैक्सी लेते हो, आप अपनी कार नहीं खरीद रहे हो, ओला या उबर कर ले रहे हो, सेम चीज़ यहाँ पर इसरो के साथ ये है। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन 2019 में बनी थी और इससे पहले भी ये लॉन्च कर चुका है रिसेट 2BRI EOS-01 विथ स्मॉलर सैटेलाइट फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज एज वेल एज इंडिया। भारत के तो करता ही करता है, उसके साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ का भी ये करता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ अपने को मॉनिटर या टेलीकम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए भी प्राइवेट सैटेलाइट भेजती हैं, तो उनका पैसा बचे तो वो क्या कर लेती हैं, कॉमर्शियल चीज़ें करती हैं। ठीक है, इसरो का ये पूरा डिपार्टमेंट ठीक हो गया। अभी तक अगर कभी बोला जाए मेंस में, तो ये ग्रीन वाला आप UPSC मेंस के लिए पॉइंट याद रख लो कि इंडिया में अभी तक 342 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी हैं, 34 कंट्रीज़ में से PSLV और GSLV भेजा गया है। ठीक है, मैंने बोला इसरो के कॉमर्शियल जो मिशन हैं या बॉडीज़ हैं वो दो हैं, एक तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और दूसरी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। इससे पहले एंट्रिक्स कॉरपोरेशन थी, बट एंट्रिक्स कॉरपोरेशन में अच्छे से मैकेनिज्म फ्रेमवर्क नहीं बना है, और इसके चलते हुए USA से हम कुछ कंट्रोवर्सी भी हमारी चल रही है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन में सरकार को अभी 1.2 बिलियन तक का कुछ कर्जा है। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह की जा रही है। ठीक है, देवास मल्टीमीडिया 1.2 बिलियन ओ करती है भारत सरकार एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बेसिस पर, बट यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, अभी मैं डिफरेंस भी बताऊँगा, तो एक तरह से कॉमर्शियल व्हीकल हैं ये इसरो के। ठीक है, जो कॉमर्शियल फ्लाइट भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो अभी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हमें NSIL को और ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, इससे हमें नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज टू एड स्पेस स्टार्टअप रीच आउट टू रूरल इंडिया एंड फैसिलिट द मोड रिक्रूट फ्रॉम इंडिया यंग टू फैसिलिट कैरियर इन स्पेस एप्लीकेशन एंड साइंसेज। राइट, तो अभी इसके नोट्स हम क्या करेंगे, एक तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पढ़ लेंगे, दूसरा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। अब ये याद रखना, दोनों ही इसरो के कॉमर्शियल बॉडीज़ हैं। राइट, नाउ डिस्कस कर लेते हैं 6 मार्च द हिंदू के नोट्स को। मैंने कहा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जनरल स्टडीज़ पेपर 2, टॉपिक रहेगा स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या, NSIL को अनाउंस किया गया था बजट 2019 में, और अभी तक बहुत सारे मिशन कर भी चुका है, जिसमें से एक मिशन जो अभी मैं कहूँगा प्राउड वाली बात है इंडिया के लिए, वो है अमेजोनिया फर्स्ट। ओके, वन ऑफ द मैंडेट NSIL इज टू मास प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर द SSLV, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, उसको मास नंबर पर ये बनाने का काम करता है और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करता है। राइट, इट एम टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरीड आउट बाई इसरो। ए डिफर फ्रॉम इसरो एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने कहा इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन में इसमें भी काम करता है। एंट्रिक्स हैंडल करता है इसरो के कॉमर्शियल डील फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल विथ फॉरेन कस्टमर्स। NSIL विल डील कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। हल्का सा डिफरेंस पता चल गया, दोनों ही कॉमर्शियल आर्म में है, बट जनरली एंट्रिक्स फॉरेन कस्टमर को डील करता है, यहाँ पर ये स्पेस मैन्युफैक्चरिंग लोकल इंडस्ट्री को देखता है। कभी कभी मैंने बोला प्राइवेट कंपनीज भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती हैं अपने टेलीकम्युनिकेशन को बूस्ट करने के लिए। राइट, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा एक और चीज़ है जो अमेजोनिया है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। अमेजोनिया फर्स्ट एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ने की है। ये मॉनिटर करेगी डिफॉरेस्ट्रेशन जो अमेजोन के जंगलों में हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस बता दिया। फिर नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल आता है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे। नाउ देखिए, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा अभी खतरे में है। चाइना के स्पॉन्सर्ड जो गवर्नमेंट एडेड हैकर्स होते हैं वो इंडिया की वेबसाइट को भी हैक करने में लगे हुए हैं। संडे यानी कि 28 फरवरी को
एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें ये बोला गया कि चाइना अपीयर्स टू वॉर्न इंडिया पुश टू हार्ड एंड लाइट कुड गो आउट। अब इसमें ये देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक इन्वेस्टिगेशन कराई गई जिसमें चाइना का नाम आया, और चाइना को इस तरह से आपको हम कह सकते हैं सबूत मिले कि चाइना ने अटैक करवाया है किस पर, इंडिया की वेबसाइट में। नाउ अटैक बाय चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप। अब इस दौरान जो पावर मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र की सरकार तो कह रही है ठीक है चाइना ने साइबर क्राइम किया है, अटैक करवाए हैं, बट यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने ये क्लेम किया है कि फेलियर हो चुका था साइबर, हालांकि साइबर अटैक हुआ बट उतना डाटा ब्रीच नहीं कर पाए थे। बट एक तरह से इंडिकेशन हमको दिया जा रहा है पहले से कि हमें अपने भारत के साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा जो है जो बूस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में पूछा ही जाएगा, बहुत बड़ी बात है। 2009 में इसे पहले चाइना भी कर चुका है, 2009 में भी घोस्ट नेट वॉज फाउंड टू बी टारगेटिंग अमंग अदर द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन इंडिया एंड मैनी इंडियंस एम्बेसीज, बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज में, और जो तिब्बत की सरकार है भारत से चलाई जाती है जो, उस पर भी अटैक ये देखने को मिले, राइट। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन बैंक में भी पहले से बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था। उसके बाद कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ये साइबर अटैक बहुत बार रिपीटेड में देखने को मिले। ये और कोई नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो चाइना की बॉडीज़ हैं वो करती हैं। तो अब भारत के लिए, ये तो मैंने पूरा चैलेंज बता दिया आपको इंट्रोडक्शन करंट अफेयर के बेसिस पर, भारत के पास क्या है। भारत को अभी यार, भारत ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाएं। भारत के एफर्ट आपको यूपीएससी मेंस में डालने पड़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा मैं इसी एडिटोरियल के बेसिस पर बनाऊंगा, 150 शब्दों में आपको लिखना है ये आंसर। सबसे पहले भारत ने इंस्टीट्यूशनल मशीनरी जो फोकस करेगी सेवरल गवर्नमेंट एंटिटीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपने अजीत डोभाल जी हैं, और मैं कहूँगा बड़े बड़े उन्होंने टारगेट जो है प्लान्स किए हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो। तो नेशनल इन्फॉर्मेशन बोर्ड बनाया गया जिसके वो चेयर करेंगे। उसके बाद नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया अंडर द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2014 में, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्टेब्लिश किया था एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो एडवाइस करेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, ताकि साइबर सिक्योरिटी के इशू को सामने लाएं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी साइबर सिक्योरिटी अटैक होते हैं तो उसके लिए एक नोडल एजेंसी है सर्टिन, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्टिन, ठीक है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपग्रेड करने की बात की गई है। तो इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमें एक कोऑर्डिनेटेड सेंटर चाहिए जिसमें राज्य सरकारों की जो है मिल के काम करना चाहिए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है, सॉल्यूशन में पूछा जाए या कंक्लूजन में पूछा जाए। इंडिया यू ऑल्सो येट टू क्लियरली, अभी इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो रेगुलेशन है वो लाने हैं ड्राफ्ट में, जैसे न्यूक्लियर में नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पोस्चर है कि हम पहले किसी कंट्री में न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, राइट, जिससे कि इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ती है। वैसे ही साइबर अटैक में भी हम इस तरह से चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, क्लियरली स्ट्रेटजी एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, ए क्लियर पब्लिक पोस्चर ऑन साइबर डिफेंस, वॉरफेयर बूस्ट सिटीजन कॉन्फिडेंस, हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट अमंग एलाइज, दस इनेबलिंग ए मोर स्टेबल एंड सिक्योर साइबर इकोसिस्टम, राइट। नाउ नेक्स्ट जो एडिटोरियल आता है वो रशिया से रिलेटेड है। नाउ देखिए रशिया के, और यहाँ पर थोड़े ईस्ट के यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं कि रशिया अभी यूरोपियन यूनियन से ट्रेड के टाइज कम कर रहे हैं। उरल माउंटेंस वो बॉर्डर हैं जो रशिया और यूरोप को डिफाइन करते हैं कि यहाँ से यूरोप का बॉर्डर है, यहाँ से रशिया का बॉर्डर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं रशिया और यूरोपियन यूनियन की, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेंस के बेसिस पर कोई क्वेश्चन नहीं आते, एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा कि मैं उन्हीं चीज़ों को कराता हूँ जो आपका सही हो, यूपीएससी में पूछी जाए, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, बट उसको आपको नहीं करना है। यहाँ पर एक बॉडी भी मेंशन है नाटो, ठीक है, दो बॉडी हैं, एक तो सर्टिन इससे पहले थी, एक नाटो थी, ठीक है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दो टॉपिक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में पूछी जा सकती है।
ये नॉर्थ अटलांटिक अलायंस है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। जनरली नाटो मेंबर का ये कहना हो रहता है कि अगर किसी भी नाटो के मेंबर में अटैक किया गया तो वो अटैक सभी कंट्रीज़ में माना जाएगा और सभी कंट्री उसका रिस्पॉन्स देंगी। तो एक तरह से ये मिलिट्री अलायंस है। साइन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मेंबरशिप 30 स्टेट है। चेंज इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो रिसेंट है हम इसमें ऐड कर देंगे अपने नोट्स में। सिंस इट्स फाउंडिंग सबसे पहले 12 मेंबर थे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 30 मेंबर तक हो चुके हैं। मोस्ट रिसेंट जो नाटो का मेंबर है 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया जुड़ा था, ये चीज़ याद रखना। नाटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स। ओके, नथिंग मोर कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम UPSC जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, GS पेपर 3 में इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये पूछा जाएगा। सर्टेन ये क्रिएट हुआ था इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2004 के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना। ये एक नोडल एजेंसी है विच डील्स विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग या फिशिंग। अगर जिसको फिशिंग नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। मैं सपोज आपसे कहूँगा कि एक पेमेंट का लिंक है मैं आपको दे रहा हूँ, और जैसे आप क्लिक करोगे आपसे ये पूछा जाएगा कि फेसबुक अपना जो एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो कहने का मतलब क्या है, वो रॉन्ग इंटरफेस होगा। आप लॉगिन करोगे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा, मतलब किसी एक एक्स पर्सन के पास आ जाएगा। उसी को कहते हैं फिशिंग, मतलब जो एक्चुअल में रियल इंटरफेस नहीं होता, आपको फेक दिखता है इंटरफेस फेसबुक लॉगिन करने का, वो गलत होता है। तो ऐसी जो वेबसाइट होती हैं या ऐसे लिंक होते हैं वो फिशिंग कहलाते हैं। ये कलेक्ट करेगा साइबर इंसिडेंट को। सर्टेन प्रोवाइड करता है इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स अथॉरिटी सिक्योरिटी क्वालिटी। अभी तक बहुत सारे साइबर अटैक हुए हैं चाइना की तरफ से, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडियन वेबसाइट में तो हर साल US के द्वारा, रशिया के द्वारा, पाकिस्तान के, कनाडा, जर्मनी के द्वारा बार बार ये अटैक किए भी जाते हैं। इवन पाकिस्तान लगातार ये करने की कोशिश करता है, बट हमारी सर्टेन अभी तक बहुत ज़्यादा, इसको और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। रिसेंट साइबर अटैक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइना कर रही है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है वुमेन्स स्टडीज़ ग्रुप फॉर UGC ग्रांट एक्सटेंशन। इंडियन एसोसिएशन वुमेन स्टडीज़ ने ये बोला है कि 163 वुमेन स्टडी सेंटर बनाने चाहिए वेरियस कॉलेजेस में, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए भी, यहाँ पर UGC बोला है। UGC क्या है जिसे ये बोला गया है? UGC मैं कहूँगा यार, अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ, जैसे लोअर एजुकेशन बोलते हो प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, बट हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी सेटअप करना है, किसी को यूनिवर्सिटी बनानी है, तो वो किसकी परमिशन लेगा? UGC। अब आप कहोगे सर UGC तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, मैं कहूँगा लीजिए एक सेकंड में आपको UGC रिवाइज करवा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टेचरी बॉडी है, 1956 में बनी थी, चार्ज विद द कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड। UGC आज़ादी से पहले 1946 में बनी हुई है। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को सुपरवाइज करती थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली को। 1947 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें ये बोला जाता है, जिसके चेयरमैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे 1948 के दौरान। और ये बोला गया था कि यार उन्होंने रिकमेंडेशन दी गई थी, जैसे यूनाइटेड किंगडम में हायर एजुकेशन के लिए एक बॉडी है वैसा ही हमारा कमीशन भी बनना चाहिए, जिसके बेसिस पर UGC बनाई गई। UGC रिकॉग्निशन देती है यूनिवर्सिटीज़ को, क्या पढ़ाना चाहिए वो बताती है, स्कॉलरशिप चलाती है, इट मॉनिटर कन्फर्मेटी टू रेगुलेशन बाय यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। नेक्स्ट है क्वाड टू होल्ड लीडरशिप समिट। लीडर्स जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और US के वर्चुअली मिल सकते हैं। वैसे मे बी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बाद में जो है फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है, बट यहाँ पर अभी तो बात की जा रही है वर्चुअली। क्यों की जा रही होगी? COVID-19 के बेसिस पर। किसकी हो रही है? क्वाड की। तो क्वाड को भी समझा देता हूँ है क्या। क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जनरल स्टडीज़ पेपर 2। क्वाड्रिलेटरल जो डायलॉग है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस बनाया जाएगा। क्वाड डायरेक्टली, अगर ये फॉर्मली लिखा नहीं गया है, बट क्वाड डायरेक्टली ये बनाया गया था चाइना को बढ़ती हुई डोमिनेंस को कंटेन करने के लिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको दो लाइन में समझा रहा हूँ। क्वाड का आइडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, हालांकि अभी तो वो बीमार हैं, उन्होंने इस वजह से प्राइम मिनिस्टर पद भी छोड़ा, 2007 से आइडिया था। फिर उसके बाद 2012 में ये सब चीज़ें मिलते गए और फाइनली 2017 में इसको एक रूप मिल गया, फॉर्मल रूप। ऑस्ट्रेलिया, जापान ने एक गेव सेफ टू द लॉन्ग पेंडिंग क्वाड कोएलिशन, उसके बाद स्पेशली चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। UPSC में ये पूछा जाएगा कि चार ही कंट्री क्यों? मैं कहूँगा US के जो दो राइवल हैं, एक तो चाइना, रशिया, तब USA ने ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस जो होती है चाइना का हमेशा देखते रहती है, जापान में भी सेम है एरिया को लेकर है, और वैसे भारत तो आप सबको बताइए चाइना कितना ज़्यादा वायलेशन करता है। तो यही है क्वाड ग्रुप।
नाउ वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करते हैं। मैं कहूँगा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, चाइना अभी अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा, इन्होंने 5 साल का प्लान बनाया है कि 6% हम ग्रोथ रेट करेंगे, टारगेट किया गया है 2035 तक हम टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो हमारे लिए चैलेंज है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतना साइबर अटैक ये करेगा। दूसरा, चाइना का जो डिफेंस बजट है 200 बिलियन पार चले गया, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात आती है। हालांकि पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दो लाइन आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी में आगे हो रहा है और डिफेंस का बजट ये बढ़ाने में लगा हुआ है। म्यांमार में मिलिट्री कूप चल रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी ये मीटिंग होने वाली है, राइट। उसके बाद है ओपेक कंट्रीज, लास्ट न्यूज़ है ओपेक प्लस मूव द हिट रिकवरी। मैं कहूँगा भारत में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है, एक रीज़न ये है इंटरनेशनल रीज़न, जो ओपेक कंट्री है ना, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है रेट कम ज़्यादा। ओपेक कंट्री जितनी भी होती हैं वो कहती हैं कि हम अपने पेट्रोल जो सप्लाई देते हैं उसको पावर कट कर देंगे, सप्लाई कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। तो एक रीज़न ये है कि भारत में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बट आपको ये भी जानना है ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं कौन, फिर उसके बाद अपने एनालिसिस को ख़त्म करते हैं। ओपेक प्लस यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुपिंग में नॉन ओपेक कंट्रीज़ विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज़। एक तो ओपेक कंट्रीज़ हैं जो जनरली ऑयल का ही प्रोडक्शन करती हैं, बट जो ओपेक कंट्रीज़ वाली नहीं हैं बट फिर भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको ओपेक प्लस कंट्रीज़ बोला जाता है। ओपेक प्लस कंट्रीज़ में अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान आते हैं। ओपेक क्या है फिर, ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिएट की गई थी बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के दौरान। ये ओपेक है, ठीक है। जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं वो भी एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल, ठीक है, बट वो नॉन ओपेक प्लस में आती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ऑयल का सप्लाई होना चाहिए ओपेक कंट्रीज देखती हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड विच शेयर द आइडियल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका पूरा यही रेट रहता है कि यार ओपेक कंट्रीज़ का मुनाफा करना है बस। 2019 में ओपेक के 14 मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब, इक्वाडोर, दीज कंट्रीज वर लेटर ज्वाइंड बाय कतर 1961 में, इंडोनेशिया में, ठीक है, ये सब जुड़ते गए, ठीक है। 2018 में कॉन्गो जुड़ा और कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो एक्सपोर्टर हो। कतर टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप ऑन January 1, 2019 क्योंकि सेंक्शन भी लगाए गए थे। करेंटली ऑर्गेनाइजेशन में 13 मेंबर हैं, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अभी जितने भी नोट्स हैं उनमें अपडेट मैं करके नोट्स में प्राइवेट ग्रुप में और पब्लिक ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ पर ऑफिशियल लिंक है, अगर आप इसमें क्लिक करोगे, जो भी हमारे पेड मेंबर हैं क्लिक करोगे तो रिसेंट जो मेंबर हैं आपको पता चल जाएगा। चलिए आज का एंड कोड हम रखते हैं सी सेट, ठीक है। आप जिन सबको नहीं पता, सी सेट की पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है 15 मार्च तक, सिर्फ प्राइस है ₹499। वीडियो कोर्स हैं, 20 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे द्वारा बनाई गई हैं पर्सनली, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी सी सेट की। अगर 15 मार्च के बाद आप पेमेंट करोगे तो वो मे बी 1000 या 1500 का हो जाएगा। तो ट्राई ये करना, जल्दी से जल्दी सी सेट जो कोर्स है उसको खरीद लें। आपको जिसको भी डाउट हो 7505134891 इस नंबर पर मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।